गुड मॉर्निंग क्लास एट स्टूडेंट्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। एंड टुडेज टॉपिक इज पावर रिसोर्सेज। वी हैव डन मिनरल इन द प्रीवियस क्लास। सो द पावर रिसोर्सेज हैज बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट विद conventional resources. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy resources. Firewoods and these are the fossil fuels जो कि conventional resources के कुछ types हैं। अब firewood में जैसे लकड़ी का use होता है, it is widely used for cooking and heating. It in a country more than 50% of energy used by villages, मतलब जो गाँव में लोग होते हैं वो firewood मतलब लकड़ी को जला कर ही अपना खाना बनाते हैं। Remains of the plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas are the main sources of conventional energy. अब ये तो बात हो गई firewood की, बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? तो कई साल पहले कई प्रोसेस की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो कि ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो वो प्रेशर एंड हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल रिसोर्सेज का ही एक रूप है। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, बट ऐसा है नहीं कि करोड़ों साल पहले जो आज चीज़ें हमें मिल रही हैं तो उसके लिए हम करोड़ों साल वेट करेंगे। हमारी तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड है लाइफ जीने के लिए। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित मात्रा में हैं एंड ख़त्म होने के कगार में, तो वी हैव टू यूज़ देम वाइजली। Now, the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. जिस दर से हम लोग use कर रहे हैं ना, उस दर से वो बन नहीं रही हैं। ये उसकी एक example है कि हमें उन्हें किस तरीके से सेव रखना चाहिए। सो हम लोगों को उसे ज़्यादा exhaust नहीं करना चाहिए, wisely use करना चाहिए। अब हम कोल पर आते हैं। फायरवुड के एग्जांपल को देखते हुए हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल में ये तीनों भी एक तरीके से इंक्लूड किए। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो कोल, दिस इज़ द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। कोयला को बहुत लोगों ने पहले बहुत यूज़ में होते थे, अब थोड़ी उनकी यूजेस कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर शॉर्टेज। सो हम लोगों ने कोल को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते देखा है, स्टील इंजन्स में, भाप के जो इंजन होते थे पहले उनमें कोयला जला वो जो रेलगाड़ी है उसे चलाया जाता था। एंड स्टीम इंजन्स और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी कोयले की इम्पोर्टेंस बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ नोन एज थर्मल पावर। इलेक्ट्रिसिटी जब कोयले की हेल्प से बनती है उसे थर्मल पावर बोलते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे इज़ द फॉर्मेशन, टुडे इज़ फॉर्म्ड मिलियन ईयर्स अगो विद जाइंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बरिड अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ। कोल इज़ देयरफॉर रेफर्ड एज बरिड सनशाइन। सो कोल को बरिड सनशाइन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कई करोड़ों सालों की दबने, गलने एंड हीट प्रेशर की वजह से उसकी फॉर्मेशन हुई है। एंड जो हम आज कोयला यूज़ में ले रहे हैं वो सालों, करोड़ों साल पहले का बना हुआ कोयला, ऐसा नहीं एक दो दिन पहले बनाया और हमने इसमें उसे यूज़ में ले लिया। उस कहाँ पर कोल प्रोड्यूसर्स की मैं आपको कंट्रीज़ के नाम बता दूँ, चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। एंड कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया की बात करें देन रानीगंज, झरिया, मतलब झारखंड, उड़ीसा, पटना, सॉरी बिहार वाले जो एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा कोल की एक तरीके से कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, जिसकी वजह से हमारी कारें चलती हैं। वो सबसे बड़ा मेजर जो जरिया है, वैसे तो डीजल भी है बट अगर हम बात करें पेट्रोल्स की तो उनकी वजह से हमारी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचाती हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफ शोर
एंड कोस्टल एरिया, सो रेगिस्तानी इलाके में या फिर कोस्टल मतलब समुद्र के आसपास के इलाके में हमें ड्रिलिंग प्रोसेस, माइनिंग हम लोगों ने देखा था, ड्रिलिंग की बात हो रही है, ड्रिलिंग प्रोसेस की हेल्प से हमें जो कोल है वो रॉक्स की लेयर के बीच में मिलता है। हम ड्रिल करते हैं, जो वेल्स होते हैं उनको बनाते हैं और फिर हम लोग जो पेट्रोलियम है उसको निकालते हैं। दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज, और जो कच्चा ओर निकल रहा है ऐसा नहीं एकदम डालने लायक निकल गया, वरना तो वहीं से ही उसको डायरेक्ट हम भेज दें, पर वो जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है हम उसे भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए। जो क्रूड ऑयल, प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट। जो हमें ओर मिला है ना, उससे पेट्रोल के साथ साथ और क्या चीज़ें बनती हैं, पेट्रोल बन रहा है उस ओर से, मतलब जो हमने निकाला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें भी उसी ओर से बनती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, काला सोना जिसे बोल रहे हैं। ये सोना तो हमने पहन लिया यहाँ पर जो काला सोना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिना सोने के, मतलब इस सोने के नहीं, बिना उस ब्लैक गोल्ड के एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये डेजर्ट वाले इलाके हैं, एशियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं एशिया की। और अदर प्रोड्यूसर्स की बात करें, USA, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, डिगबोई, नसम, बॉम्बे हाई कोस्टल एरिया है एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, तो वही बात है, कोस्टल एरियाज़ के पास आपका पेट्रोलियम मिलता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एज इज रिलीज विद व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सर्फेस। जिस तरीके से क्रूड ऑयल सर्फेस के ऊपर आता है, तब जो गैस रिलीज होती है ना, वो क्या है, नेचुरल गैस है। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड डोमेस्टिक सॉरी इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। रशिया, नॉर्वे, UK उसकी मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है नेचुरल गैस की। और इंडिया में बात कर रहे हैं, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ये सारे, मुंबई, ये नेचुरल गैस रिसोर्सेज के प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया के अंदर। नाउ नेक्स्ट पैरा में हम चेक करेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज है। द शार्प इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज लेड टू डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। हम लोग फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कोल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ना लाइफ में, तो हमें क्या करना है, उसका एक दूसरा जरिया देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनको ख़त्म होने से बचा सकें। सो द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। अब इन्हें जलाने से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, ये भी हमारे लिए हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट करती हैं, तो ये क्या एक अलार्म है कि आप कंसर्न हो जाओ अपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और उसके बाद ये खत्म भी हो रहे हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अनचेक बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉसिल फ्यूल इज लाइक अनचेक ड्रिपिंग टैप विच इज इवेंचुअली रन ड्राई। मतलब आपने पानी चला दिया, वो पानी की टंकी में से पानी खत्म हो जाए, उतना खतरनाक है आपको अगर आपने फ्यूल जल रहा है और उसे चेक नहीं किया है। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव to fossil fuel. Now we will move forward. मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कभी ना कभी ख़त्म होंगी, तो हमारे लिए अलार्म है एक तरीके से, हमें इन्हें वाइजली यूज़ करना है ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यूज़फुल हो सके। Now हाइडल पावर की तरफ बढ़ेंगे, तो हाइडल से हम लोग वाटर को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 30, एज यू कैन सी हियर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द वाटर फ्लोज, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जब डैम हमने बनाया, तो डैम का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, ये डैम है, ये डैम का स्लोप है। अब इस डैम के वाटर को हम या तो फ्रीली फ्लो करवा देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड
प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब देखिए यहाँ पर आपका वाटर स्टोर हो रहा है, अब यहाँ से जब आपका पानी फ्लो होगा पाइप्स के थ्रू इनसाइड द डैम ओवर द टर्बाइन, तो यहाँ पर एक कुछ हम टर्बाइंस लगाते थे जो घूमती हैं। अब इन टर्बाइन से घूमने की वजह से जो एनर्जी होती है, हम उस एनर्जी को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ एक लाइन है, द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर, जो ब्लेड्स हैं वो टर्न करते हैं और वो जनरेटर को ऑन कर देते हैं। एंड किस लिए वो जनरेटर ऑन होता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वाटर की मदद से, मतलब वाटर के फ्लो करने की वजह से टर्बाइन घूमी, टर्बाइन की वजह से जनरेटर जला, मतलब जनरेटर ऑन हुआ। जनरेटर किस लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हमने पानी से क्या बनाया? पानी को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में, तो दैट इज नोन एज हाइडल पावर। नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे? हमने पानी की हेल्प से क्या बना लिया? इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। मतलब जो पानी यूज हो गया, मतलब उसने टर्बाइन को घुमा दिया, जब वो नीचे चला जाता है तो वो खेती के लिए यूज में हो जाता है। तो एक तरीके से हम लोगों ने इसको मल्टीपर्पज़ यूज में ले लिया, तो मल्टीपर्पज़ में हाइडल पावर भी आते हैं। नाउ 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। दुनिया की 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ हाइडल पावर। सो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के पराग्वे, नॉर्वे, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे डैम्स बहुत अच्छे वेल इक्विप्ड हैं, ब्राज़ील, चाइना। और इंडिया में अगर हम बात करें, भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या है? हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पावर के कुछ मेजर एरियाज हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हम लोगों ने देख लिए, नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। सो सोलर सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर एनर्जी को हम शॉर्ट में अगर डिफाइन करें तो सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल अपार रूप में पूरे वर्ल्ड को मिलती है। अब उस एनर्जी को या तो हम यूं ही वेस्ट जाने दें या फिर उसे कंजर्व कर लें और हम लोग हमारे यूज़ में ले लें। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कभी ना कभी तो जाएगी, जो पावर कट हो जाते हैं। अभी मुंबई में पावर कट हुआ था, 2 घंटे के लिए लाइट नहीं थी, ग्रिड फेल हो गया था। अब उनके घरों में ग्रिड फेल नहीं होगा जहां पर जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए होंगे। अब सोलर एनर्जी आ गई, ठीक है, हमने उनको सोलर पैनल्स में स्टोर करके रख लिया एंड अब हम उसी सोलर पैनल के इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उस सोलर पैनल में जो हम लोगों ने पावर जो सेव की हुई है, अब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में एक तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हमने सोलर को, मतलब हमने सन की एनर्जी को स्टोर कर लिया, किसमें? हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट चीज़ों में, जैसे सोलर कुकर्स होते हैं आजकल, लाइट जला सकते हैं हम लोग उसको, हमारे हाउस होल्ड वर्क्स में यूज़ में ले सकते हैं उस एनर्जी को, हम लोग इंडस्ट्रीज़ में, छोटी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में ले सकते हैं। तो क्या हुआ, एक तरीके से हमने सन की रोशनी जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको अपने यूज़ में ले लिया। नाउ इन यहाँ पर आपके पेज नंबर 31 पे सोलर पैनल्स के कुछ डायग्राम्स भी दिए गए हैं। तो आजकल बहुत सारी जो हाउसेज हैं उनके ऊपर आपको इस तरीके के सोलर पैनल्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को भी हम लोग इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे कि जो हवा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो कोस्टल एरियाज हैं या फिर डेजर्ट वाले एरियाज हैं, वहाँ पर हवा बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए अगर मैं माउंटेनियस इलाके की बात करूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे। तो हवा क्या है, हवा जब जाएगी तो उसको यूँ अगल बगल से उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे, मतलब रुकावट आ जाएगी पेड़ों की वजह से। पर अगर कोस्टल एरियाज है तो कोस्टल एरियाज में कुछ नहीं है, बिल्कुल साए साए जो हवा बहती है। या फिर हम लोग बात करें डेजर्ट इलाके की, डेजर्ट इलाके में भी पेड़ इतने ऊंचे नीचे ऊंचे नहीं होते। तो क्या हवा बिल्कुल तेज स्पीड में जाती है। अब वो हवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उस हवा को क्या यूज़ में ले सकते हैं? हम उस हवा को वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे यूजेस के लिए। हम लोगों ने वहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर सोलर, हम लोग सोलर विंड को यूज़ कर लेते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँगी, विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियबल। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स
the high speed wind rotate the windmill which is connected to the generator to produce electricity. So हम लोगों ने wind mill establish कर लिए, बड़े बड़े जो पंखे हम जिसे बोलेंगे. तो ये जो यहाँ पर हमने लगा लिया, यहाँ पर हमने लगा लिया, मैं एक डायग्राम से शो कर देती हूँ. ये एक डेजर्ट वाला इलाका है, तो हम लोगों ने यहाँ पर विंड मिल लगा ली. ठीक है, अब ये विंड मिल जो पंखे हैं वो विंड की वजह से रोटेट होते रहेंगे. अब ये रोटेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी हम लोग जनरेटर में स्टोर कर लेंगे और उसी जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यहाँ पर हम लोगों ने सोलर एनर्जी को भी स्टोर करके रख लिया है, हमने इसी में ही विंड एनर्जी को स्टोर करके रख लिया है. यहाँ पर भी सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं. तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ों को हम लोगों ने हमारे यूज़ में ले लिया है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले. कभी तो मतलब अभी तो खत्म नहीं हो रही है, अभी तो एज ए फ्री कॉस्ट हम लोगों को मिल रही है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ न्यूक्लियर पावर इज द ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो दो सब्सटेंस है यहाँ पर, यूरेनियम और थोरियम, जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट करके बनाते हैं. दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर. सो इनको कन्वर्ट किया जाता है. एंड द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA एंड यूरोप. इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव द लास्ट डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. सो यूरेनियम एंड थोरियम है हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इनको न्यूक्लियर फिजन्स के थ्रू एक तरीके से रिएक्टर्स में भेज दिया जाता है एंड फायर एमिट करवाई जाती है. एंड इंडिया में झारखंड एंड राजस्थान हो जाते हैं यूरेनियम के डिपॉजिटर्स. एंड थोरियम के डिपॉजिटर्स में अगर हम बात करें तो केरला है. न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें तो कल पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, एंड राणा प्रताप सागर नियर कोटा, एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश, एंड कायगा इन कर्नाटका. तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए. कहीं पर थोरियम और कहीं पर यूरेनियम कहाँ कहाँ मिल रहा है, दैट वी हैव डिस्कस. नाउ जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, जो हमें अर्थ से मिल रही है, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर. जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. अब ये जो हीट है वो कभी कभी अर्थ सरफेस के ऊपर आती है हॉट स्प्रिंग्स के तौर पर, फव्वारों के तौर पर. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर्स. और इस हीट एनर्जी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे ज्वाला माता का मंदिर देखा, तो उसमें एक ज्योत जलती रहती है. तो वो क्या है, एक तरीके का अंदर की हीट बाहर निकल रही है जिसकी वजह से वो ज्योत जलती है. अब इसी ज्योत को हम लोग, इस ज्योत को तो नहीं, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉट स्प्रिंग्स की, जो गर्म फव्वारे निकल रहे हैं उनको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं टू जनरेट पावर. जियोथर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग. अभी जो निकल रहे हैं उसको हम किस में यूज, कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में, फॉर सेवरल ईयर, सालों तक. USA में एक USA हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाई न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो मणिकारण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुंगा वैली इन लद्दाख, ये हैं कुछ जियोथर्मल एनर्जी के अगर हम एग्जांपल्स बोले तो. यहाँ पर एक डायग्राम है जियोथर्मल एनर्जी एंड मणिकारण, ये एक हॉट स्प्रिंग है, गर्म फव्वारा जिसे बोलते हैं. सो ये क्या है, जियोथर्मल पावर धरती के अंदर जितनी भी हीट है वो एक तरीके से एक जरिया बना रही है बाहर निकलने का, दैट इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. नाउ टाइडल एनर्जी की बात करें, द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड, जो टाइड्स आते हैं समुद्र के अंदर उसको ही हम लोग एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लें, दैट इज़ नोन एज टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैन बी हांस बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग सी ड्यूरिंग हाई टाइड्स. एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न टर्बाइंस इंस्टॉल्ड इन द डैम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर आप देख सकते हैं दो छोटी सी जगह में हम लोगों ने यहाँ पर डैम्स बना लिया. अब यहाँ पर टाइड आएंगे और हम उसी टाइड की एनर्जी को यूज़ में ले लेंगे, उसी टाइड की एनर्जी को हम लोग टर्बाइंस, मतलब वही चक्की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ पर आ गई, वही टर्बाइंस को घुमाने में हम लोग यूज़ में लेंगे. टर्बाइंस इंस्टॉल कर दिया है और उसी टर्बाइन की इलेक्ट्रिसिटी
एनर्जी को हम सेव करके उसी टर्बाइन की एनर्जी को हम लोग सेव करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब इंडिया की बात करिए, रशिया फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्च इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। तो जहाँ पर वही सी वाले इलाके के पास कोस्टल एरिया में ही ये हो सकता है, क्योंकि वहीं पर टाइड्स आती हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के डैम्स बना के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल्स, काउ डंग, किचन वेस्ट, इन सभी को हम लोग गैसियस फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोगैस। अब उनकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टेरियाज में, बैक्टेरियाज इन बायोगैस डाइजेस्टर। ये है एक बायोगैस का एग्जांपल। इसमें सभी चीज़ों को वेस्टेज को डाल दिया जाता है एंड ये सभी ये डिकम्पोज हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया, उन्हें डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता है। इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इस बायोगैस में एक तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है, डिकम्पोज बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है और जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आजकल हमारे घरों में भी यूज़ में लिया जा रहा है। सो बाय दिस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।